गीता एक ऐसी धार्मिक ग्रंथ जिससे हर एक श्लोक का जीवंत उदाहरण आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाता है। ऐसे ही गीता का एक श्लोक है जिसका हिंदी में अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें अपने क्रिकेट टीम में देखने को मिल जाता है, जहां एक खिलाड़ी है जो लगातार कड़ी मेहनत करता और लगातार टीम में जगह बनाने से लगातार मशक्कत करने के बावजूद भी मैनेजमेंट के द्वारा अनदेखी का शिकार होता है और टीम से बाहर रखा जाता है। मगर अचानक से ऐसा संयोग बन जाता है कि वो उस खिलाड़ी को विकल्प बनकर टीम में आता है, जिससे बिना टीम एक भी मुकाबला खेले का सोच भी नहीं सकती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जो लगातार कोशिशों के बावजूद भी टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे और अब समय ऐसा आया है कि उनको कप्तान रोहित का विकल्प मानकर अब टीम में जगह देने की बात हो रही है। ऐसे में संजू से जुड़ा क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। गौरतलब है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से लगातार अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे और यही कारण है कि टीम इंडिया मैनेजमेंट उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को जगह देने का मन बनाती नजर आ रही है और अब इसकी शुरुआत होती भी नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि उनको लगातार टीम से बाहर भी रखा जा रहा है। ऐसे में आपको याद हो तो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद से जो इस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अभी तक इनकी वापसी नहीं हो पाई है और इनकी जगह लगातार ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो अभी यंग है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। इसी कड़ी में कई सालों पहले टीम में डेब्यू कर चुके और कुछ मुकाबले खेलने के बाद टीम से बाहर चल रहे संजू सैमसन की कमबैक हो सकती है और वो कप्तान रोहित शर्मा का टीम में विकल्प बन सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यही कारण है कि अब इस खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट वेस्टइंडीज के दौरे पर भेज रही है। अभी तक हुए वेस्टइंडीज टीम की घोषणा में संजू को वनडे टीम में मौका दिया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको T20 टीम में भी जगह जरूर मिलेगी और धीरे धीरे टीम मैनेजमेंट बहुत जल्द इनकी जगह टीम में परमानेंट कर देगी और रोहित की जगह इनको मौका दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के बाद से ही रोहित शर्मा को टीम से बाहर रखा जा रहा है और नए खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले ये खबर निकलकर बाहर आई थी कि रोहित की जगह या तो गेल या फिर जायसवाल को मौका दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से सबको हैरान करते हुए मैनेजमेंट के द्वारा संजू की वनडे में वापसी कराई गई उसे देख अब ये पक्का हो गया कि टीम लगातार कंसिस्टेंसी से प्रदर्शन कर रहे संजू को टीम में जगह देगी। आपको बता दें कि अगर इस खिलाड़ी को टीम में मौका दिया जाता है तो न सिर्फ टीम को बल्लेबाजी का ऑप्शन मिलेगा बल्कि टीम के विकेट कीपर को भी खोज पूरी हो जाएगी और चूंकि ये खिलाड़ी पावर हिट भी है तो तेज तर्रार रन भी बना लेगा। तो मोटा मोटी कहें तो अगर टीम में संजू को मौका दिया जाता है तो फिर भारतीय टीम एक खिलाड़ी से दो पद भरने में कामयाब हो जाएगी और इतना ही नहीं ये खिलाड़ी भविष्य में टीम के लिए कप्तानी भी करने में कामयाब रहेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ संजू सैमसन को वेस्टइंडीज दौरे के लिए ही टीम में जगह दी जाती है या फिर उनको अगले भी खेलने का मौका दिया जाता है आगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितनी अनदेखी इस खिलाड़ी ने अभी तक टीम मैनेजमेंट के द्वारा देखा है उतना देखने के बाद तो कई खिलाड़ियों ने टीम से संन्यास ले लिया है। ऐसे में लगातार संजू सैमसन के द्वारा टीम में जगह बनाने की मशक्कत और मेहनत अब कामयाब होती नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को रोहित शर्मा की जगह टीम में परमानेंट कर देना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।